दिल्ली से शाहजहांपुर जा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संजय सिंह जैसे ही मुरादाबाद के पागबड़ा पहुंचे, वैसे ही पागबड़ा में उनके स्वागत में खड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बुधवार को पागबड़ा के होटल हॉलीडे रेजेंसी के बाहर खड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार से उतरने के बाद आम आदमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं से मिले और सभी को विधानसभा चुनाव 2022 में लग जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सिटी चैनल से विशेष वार्ता करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने जा रही है। हम बिजली, पानी और जो आम आदमी के बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बिजली के दाम दिल्ली की तर्ज पर आधे और पानी के बिल को मुफ्त किया जाएगा। किसानों को सभी सुविधाएं आम आदमी की पार्टी की सरकार मुहैया कराएगी। प्रदेश का किसान खुशहाल होगा और आम आदमी खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को लेकर, उसके पहले हम लोग पंचायत के चुनाव में, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा की बात होगी, बिजली पानी की बात होगी, बुनियादी मुद्दों की बात होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये उत्तर प्रदेश में भी सपना हम लोग पूरा करेंगे जैसे हमने दिल्ली में किया। तो आज मैं शाहजहांपुर जा रहा हूँ, रास्ते में मुरादाबाद के साथियों से अभी यहाँ मुलाकात हुई है। मुरादाबाद में भी हमारे साथी लगातार संगठन निर्माण के काम में, पहले हम लोग पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा की बात होगी, बिजली पानी की बात होगी, बुनियादी मुद्दों की बात होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये उत्तर प्रदेश में भी सपना हम लोग पूरा करेंगे जैसे हमने दिल्ली में किया है। तो आज मैं शाहजहांपुर जा रहा हूँ, रास्ते में मुरादाबाद के साथियों से अभी यहाँ मुलाकात हुई है। मुरादाबाद में भी हमारे साथी लगातार संगठन निर्माण के काम में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी के साथ पार्टी बढ़ रही है।